दिस इज़ वन ऑफ दोज PYQs जो देखने में मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे उसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। करके देखते हैं, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे तो आप बहुत ईजिली एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग द रूम इन व्हिच यू आर सिटिंग, बट स्टिल लेट्स जस्ट टेक यूज ऑफ ए डायग्राम हियर। ठीक है, क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स where the vectors, set of vectors, they are a i cap plus b j cap plus c k cap, इसके जो तीनों कंपोनेंट्स है they are belonging to the set -1 and 1। ठीक है, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी चूजन फ्रॉम v। इसके पास जो 8 वेक्टर्स है उन 8 वेक्टर्स में से अगर हम कोई 3 वेक्टर्स चूज करते हैं देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए सेट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, हमें उसी को आंसर करना है। दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ 2 पावर p, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ p इट्स एज। ठीक है, सबसे पहले इन 8 वेक्टर्स को हम देख लेते हैं इनका लोकेशन कहाँ पे होगा। वैसे तो आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इजीली विजुलाइज कर सकते हो पोजीशन वेक्टर्स लेते हुए। ठीक है ना, जैसे कि ABC तीनों 1 है तो 1,1,1 पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, इस तरह से आपके पास 8 वेक्टर्स आ जाएंगे। फिर भी हम इसे डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देखें बेटा, आई हैव टेकन ए क्यूब जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका साइड लेंथ 2 यूनिट्स है। अब देखो उन वेक्टर्स का लोकेशन कहाँ है, 1 2 3 4 लाइक दिस। सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए 8 वेक्टर्स क्रिएट हो गए। तो ये 8 वेक्टर्स तो हमें समझ आ रहा है, अब हमें ये देखना है कि इन 8 वेक्टर्स में से हम कोई 3 को चूज करेंगे और वो भी नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। अब समझ के देखो, नॉन कोप्लेनर को विजुलाइज करना बेटर है या कोप्लेनरिटी को विजुलाइज करना बेटर है? डेफिनेटली कोप्लेनरिटी, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हमें 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर को चूज करना है। सो व्हाट विल डू इज वी विल से टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हम ले लेंगे, उसमें से वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन वी आर सिलेक्टिंग 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जब आप 3 वेक्टर चूज करेंगे या तो वो एक प्लेन में होंगे या एक प्लेन में नहीं होंगे, राइट। तो अगर हम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स की पॉसिबिलिटीज को टोटल में से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। परफेक्ट। अब आप बता दो टोटल सिलेक्शंस कितने होंगे आउट ऑफ 8, या सिलेक्टिंग एनी 3, फाइन है। देन 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम 3 कोप्लेनर वेक्टर के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें ये विजुलाइज करना होगा कि ऐसे कौन से प्लेन्स हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर है एक्चुअली, राइट। तो आ जाते हैं उसके लिए इस क्यूब पे। बेटा यहाँ देखें, अगर मैं इसके एक एज को उसके ऑपोजिट एज के साथ ज्वाइन कर देती हूँ, आपको एक प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन, राइट। और बच्चे इन 8 वेक्टर्स में से कितने वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं? आर यू एबल टू सी दैट? क्योंकि ये सेंटर है और ये प्लेन सेंटर से पासिंग है, राइट। तो यहाँ पे 4 वेक्टर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम 3 कोप्लेनर वेक्टर का सिलेक्शन करना चाहते हैं फ्रॉम दिस वी कैन डू दैट इन 4C3 वेज, करेक्ट। अब बात यह आती है कि इस तरह के जो सेट ऑफ वेक्टर्स बन रहे हैं, 4 का जो बन रहा है, ये कितने होंगे। उसके लिए बस आपको ये देखना है कि कितने ऐसे प्लेन पॉसिबल है जो ओरिजिन से पास करे एंड कॉर्नर्स को ज्वाइन करता हुआ हो। तो क्लियर है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब सेंटर से पास कर रहा है तो डेफिनेटली दैट प्लेन हैज टू ज्वाइन 1 एज विथ हिज ऑपोजिट एज, करेक्ट। अब उस तरह के प्लेन्स कितने होंगे उसके लिए आप देख ले टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं क्यूब के पास, 12 है। 12 में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो, कितने तरह से कर सकते हो, 12C1 वेज में, राइट। और उसको ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट एज के साथ आप कनेक्ट कर दो, राइट। अब ये देखो आप, अगर मैं उस एज को सिलेक्ट करती हूँ तो उसका ऑपोजिट एज ये है, और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो इसका ऑपोजिट एज भी वही है। तो उस एज को सिलेक्ट करूँ या इस एज को सिलेक्ट करूँ, आई एम एंडिंग अप गेटिंग ओनली 1 प्लेन, राइट। तो अगर मेरे पास 12 एज है तो मैं कितने इस तरह के प्लेन बना सकती हूँ जो उस क्यूब के सेंटर से पास करे, 6, राइट। एंड हर इस तरह के प्लेन में कितने कोप्लेनर वेक्टर्स है, 4 है। तो अब आप बता दें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी 3 कोप्लेनर वेक्टर इज सिलेक्ट ए प्लेन एंड फ्रॉम दैट प्लेन सिलेक्ट 3 वेक्टर्स, क्योंकि हर उस प्लेन पे 4 वेक्टर है जो कोप्लेनर है, करेक्ट। क्या आ गया बेटा ये 24, और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने थे, 8C3। व्हाट इज इट, 8 × 7 × 6 अपॉन 6, कैंसिल किया 56। बच्चे टोटल माइनस नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर का सिलेक्शन that gives us 32 which is 2 power 5 answer 5। सिंपल है ना, थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा, दैट्स इट।